खूंटी जिला से लगभग 21 किलोमीटर की दूरी खूंटी प्रखंड के डाड़ीगुटू पंचायत के अंतर्गत गांव डेओ से 1 फरवरी 2012 को जेठा मुंडा और उनके पुत्र बिरसा टुट्टी को खूंटी पुलिस ने माओवादियों को खाना खिलाने के आरोप में अपने खलिहान से काम करते वक्त गिरफ्तार किया। गाँव के लोगों ने इस समस्या पर एक ग्राम सभा की बैठक की, जिसमें निर्दोष जेठा मुंडा और बिरसा टुट्टी को छुड़ाने के लिए गांव के सभी महिला एवं पुरुषों ने खूंटी थाना जाने का फैसला किया। इसके बावजूद भी पुलिस ने कटघरे से नहीं छोड़ा, उन दोनों को 45 घंटे तक महिला कटघरे में रखने के बाद छोड़ा गया। आते उड़ूंग लेन बात रहे राचार को उड़ूंग रखे ले लेंगे जेठे नाते इन ताको को लेके लेंगे चिको ताते भी नहीं जीवे किने कमलिंग नाते डे ओ लिमिता को इनाते आपे पाटे उठी को आपे उड़ा को इन पे सेन की ना को में जीन काको सेन की ना इन लिंग में जा इनाते तो चाहते काको सेन की ना इन मंडे उत्तर को पे किया होले को आपे उड़ा रखे को में जीन इनाते लाले उड़ा देजो का कोई जो एक ने नितादार लेलो का को लेलते दा। जबकि कानून कहता है कि किसी भी अपराधी को 24 घंटे के अंदर जांच उपरांत यदि दोषीदार है तो जेल भेजने का तथा निर्दोष है तो छोड़ने का अधिकार है। नेता ने मायांग करे और ना नेता सुपु करे आसा वारां सा अब ने संगठन ये मनते क्या अब हाथुरे एकदम गरम सभा खेटे तैन लगे तिंग यार एकदम सबन कोड़ा कोड़ी हन चुटे सबन जमा किया ते निकाल संगठन को अलग हवा का। मैंने इस मुद्दे पर वीडियो इसलिए बनाया कि समाज में बेगुनाह गरीब आदिवासियों को पुलिस माओवाद के नाम पर प्रताड़ित करती है। जब पुलिस इस तरह बेगुनाहों को प्रताड़ित करती है तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि इसका बुरा प्रभाव आदिवासी समाज के युवाओं पर पड़ रहा है। मैं अमिता, झारखंड के गांव सितगड़ा, प्रखंड खूंटी, जिला खूंटी से इंडिया अनहर्ड के लिए।